हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको नीट पीसी की जो ब्रांच वाइज डिप्लोमा में सीट इंक्रीजमेंट हुई उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट इंक्रीजमेंट हुई उसके बारे में डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने पूरी जानकारी दी है। और ऐसे ही नीट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल शिवा लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट नीट से जुड़ी और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए, सीट इंक्रीजमेंट हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले, ब्रांच वाइज आपको बताएंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में और डीम कॉलेज में कितनी सीटें जो है इंक्रीजमेंट हुई है विस्तार से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर एनाटॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट में 23 सीटें हुई है और प्राइवेट में 16 सीटें इंक्रीजमेंट हुई, और एनाटॉमी में टोटल 39 सीटें जो है इंक्रीज हुई है। डर्मेटोलॉजी में गवर्नमेंट में 29 सीटें, प्राइवेट में 17 सीटें, टोटल 46 सीटें इंक्रीजमेंट हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन में गवर्नमेंट में 21 सीटें, प्राइवेट में 31 सीटें, और डी में 2 सीटें इंक्रीजमेंट हुई है, टोटल 54 सीटें इंक्रीज हुई है। फैमिली मेडिसिन की बात करें तो प्राइवेट में 4 सीटें अवेलेबल इंक्रीजमेंट हुई है। जनरल मेडिसिन में गवर्नमेंट में 48 सीटें हुई है और प्राइवेट में 70 सीटें हुई है। टोटल जो सीटें है 118 सीटें जनरल मेडिसिन में इंक्रीज हुई है। स्पेशियोलॉजी में गवर्नमेंट में 24, प्राइवेट में 5 सीटें हुई है, टोटल 29 सीटें हुई है। साइकेस्ट्री में गवर्नमेंट में 20 सीट, प्राइवेट में 4, डीम में 2 सीटें हुई है और टोटल 26 सीटें हुई है। रेडियो डायग्नोसिस है उनमें गवर्नमेंट में 61, प्राइवेट में 63, डीम में 15 सीटें हुई है, टोटल 139 सीटें इंक्रीजमेंट हुई है। ईएनटी की बात करें तो गवर्नमेंट में 16 सीटें हुई है और प्राइवेट में 3 सीटें, टोटल 19 सीटें इंक्रीजमेंट हुई ईएनटी में। जनरल सर्जरी में 73 सीटें गवर्नमेंट में हुई है, 60 सीटें प्राइवेट में, टोटल 133 सीटें इंक्रीजमेंट हुई है। ओबीसी ब्रांच की बात करें तो 106 गवर्नमेंट में हुई है, 51 सीटें प्राइवेट में और 13 सीटें डीम में हुई है, और टोटल जो है 170 सीटें इंक्रीजमेंट हुई है ओबीसी ब्रांच में। ऑप्थोमोलॉजी में 20 सीट प्राइवेट में हुई है, गवर्नमेंट में हुई है, प्राइवेट में 30 सीटें हुई है, डीम में 3 सीटें हुई, टोटल 36 सीटें इंक्रीज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स में 54 गवर्नमेंट में हुई है, 47 प्राइवेट में हुई है, डीम में 15 सीटें हुई है और टोटल 116 सीटें जो है वो इंक्रीजमेंट हुई है। ये पूरी जानकारी थी हमने बताई नीट पीजी 2023 में डिप्लोमा में सीट मैट्रिक क्या हुई, ब्रांच वाइज पूरी जानकारी बताई, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीम में और टोटल सीटें क्या इंक्रीजमेंट हुई उसके बारे में पूरी जानकारी हमने विस्तार से बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग के साथ। अगर आपके मन में काउंसलिंग रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया है, आप हमारा कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, और कॉलिंग नंबर भी हमने दिया है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई इस वीडियो रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर से याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।